हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडीज़। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर ये जो न्यूज़ है वो आपके स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। आप सभी को मैं बता दूँ कि 1 नवंबर से जो समाज कल्याण विभाग है वो फिर से एक बार जो वेबसाइट है उसको ओपन करने की बात यहाँ पर की थी जनरल और SC ST के लिए। ऐसे में OBC छात्रों को कहीं वहाँ पर मौका फ़िलहाल नहीं दिया गया है कि वो फॉर्म को भर सकें। बरेली से ये न्यूज़ है। न्यूज़ को डिटेल में जानने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं, आज आपका अभी सुबह 10 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम को 7 बजे, ये आपकी 1-1 घंटे की क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी, मेगा लाइव क्लासेस होंगी। DLED 4th semester से जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो टेलीग्राम पर मैं लिंक्स भेज दे रहा हूँ, लिंक्स मैंने ऑलरेडी भेज भी दिया है, वहाँ से आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। या अन अकेडमी पर आप महेश मिश्रा मेरे नाम से सर्च करके इन क्लासेस को फ्री में आप कर सकते हो। तो लिखा है, शासन ने छात्रवृत्ति फॉर्म भरने से वंचित रह गए छात्रों को 20 नवंबर तक दोबारा मौका दिया है, लेकिन इसमें OBC के छात्रों को मौका नहीं दिया गया है। इसके विरोध में शनिवार को ABVP कार्यकर्ताओं ने विकास भवन में हंगामा किया। बाकी आप लिखा हुआ कि अधिकारी कार्यालय में वो धरने पर बैठ गए, बाद में CDU को ज्ञापन सौंपा और सभी के लिए वेबसाइट खुलवाने की मांग की। यहाँ पर वंचित रह गए थे तो फिर से इन्होंने जो शासनादेश जारी करते हुए 20 नवंबर तक आवेदन की तिथि बढ़ाई थी, और ऐसे में अभी OBC छात्रों को दूर रखने की बात यहाँ पर सामने आ रही है। मतलब उनको आवेदन के लिए कहीं भी मौका नहीं दिया गया है, बस उन्हें ये कंसिडर किया गया है। बीच में एक नोटिफिकेशन भी था कहीं से कि शायद उनका जो है पहले वाला ही कंसिडर कर लिया जाए, लेकिन फिलहाल इन्हें मौका न दिए जाने के कारण ये चीज़ें फिर से सामने आ रही हैं, विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो अभी आप लोग जो जनरल SC ST वाले हैं वो भाई जाकर के वेबसाइट से 1 नवंबर से 20 नवंबर तक डेट है वो फॉर्म भर सकते हैं। बाकी अभी OBC से रिलेटेड कुछ अगर न्यूज़ मिलती है तो आप सभी को उससे अवगत कराया जाएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सहपाठियों के साथ में। भी मिलते हैं जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।